एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनट्यूशंस। तो फ्रेंड, रेशन प्रोपोर्शन की आपकी दो वीडियो हो चुकी हैं, जिसमें कि पहली वीडियो थी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, यानी रेशन प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड नेक्स्ट थी आपकी वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली रेशन प्रोपोर्शन में? मिल्क एंड वाटर के और एक्सपेंडिचर्स और सेविंग के, ठीक है, यानी दूध पानी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पैसा आपकी कितनी सैलरी है, कितना आपने सेविंग करी, कितने आपने खर्चे करे, तो एक के मुकाबले दूसरे का ऑब्वियसली रेशियो पूछा जाता है। ठीक है, बट इसमें जो एक छोटी सी चीज़ें रह गई थी, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है, बहुत कोई आई थिंक कोई नहीं पढ़ाता है ये चीज़ें, ठीक है, तो मैं वो भी चीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, अभी हमने रेशन प्रोपोर्शन जब हमने करा ही है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि रेशो कितने टाइप्स के होते हैं। अगर उस फॉर्म में कोई क्वेश्चन बन गया है तो आप उसे कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए वही रहने वाली है, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए। ठीक है, और अगर आपने पहली दो वीडियोस रेशन प्रोपोर्शन की नहीं देखी है, तो मैं सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो देखो फ्रेंड, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशो। ठीक है, कितने टाइप्स के आपके रेशो हैं। तो सबसे पहला जो आपका टाइप है वो है डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, आप जानते हो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, एक इसकी तरह दूसरे वाला, यानी सेम टू सेम दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, डुप्लीकेट यानी डबल कर दो, आप क्या करोगे, आप स्क्वायर करोगे दो नंबरों का, जो भी नंबर्स होंगे क्या कर दोगे, उनका स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, डबल कर दोगे उसको, डबल इन द सेंस स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि मान लो x और y कोई नंबर्स हैं, ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आप कैसे निकालोगे उसके बीच को, तो जैसे x और y है, तो आपका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर। ओके, लेट्स से कोई एग्जांपल ले देते हैं, हमें 3 और 4 का डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। ठीक है, तो डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकल जाएगा, 3 स्क्वायर इज टू 3 और 4 का 4 स्क्वायर। ठीक है, यानी 9 to 16। वॉट इट, कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, हम किसी भी दो नंबर्स को क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट रेशियो। जब हम आप स्क्वायर कर रहे थे डुप्लीकेट रेशियो में, तो सब डुप्लीकेट में आप क्या करोगे, उसका अंडर रूट निकाल दोगे। ठीक है, डुप्लीकेट में आप स्क्वायर करते हो और सब डुप्लीकेट में आप अंडर रूट निकालते हो। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं। मैं इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि मोस्टली लोग इसे छोड़ देते हैं, पढ़ाते भी नहीं है और बच्चे पढ़ते भी नहीं है, लेकिन हमें क्या पता कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। ठीक है, तो क्या होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, लाइक अगेन हम 4 और 9 का अगर निकालें, या फिर मैं आपको पहले एक्स एंड वाई की फॉर्म में बता देती हूँ। एक्स एंड वाई की फॉर्म में क्या है आपका, मैं ना स्क्वायर कर देती हूँ ताकि आपको अलग से समझ में आए। ये होता है सब डुप्लीकेट, किसी भी नंबर को क्या कर दो आप, अंडर रूट कर दोगे। यानी अगर आपसे 4 और 9 का सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाए, तो आप क्या कर दोगे इसको, अंडर रूट 4 रेशियो अंडर रूट 9, यानी 2 रेशियो 3 आपका इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब डुप्लीकेट हो गया, सब डुप्लीकेट हो गया, अब आएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, रेशियो ऑफ द क्यूब्स ऑफ द टू नंबर्स। अब ट्राई की बात हो रही है, तो ट्राई से आप समझते हो ट्राइंगल हो गया या कुछ भी हो गया, तो तीन चीज़ों से रिलेटेड बातें हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, किसी भी दो नंबरों का क्या हो जाएगा, अब क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएंगे वो, 3 गुना हो जाएंगे अब। ठीक है, ट्राई से ही आप समझ गए होंगे। तो लाइक एक्स एंड वाई की फॉर्म में फिर से बात की जाए, तो एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। ठीक है, यानी अगर आपसे 2 और 3 का क्या पूछा जाए, सब डुप्लीकेट ट्राइप्लेट पूछा जाए, ट्रैप्लीकेट पूछा जाए, तो आप कैसे निकालोगे, क्या कर दोगे आप, 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। तो क्या होता है, 2 का क्यूब 2 जा 4 2 2 जा 8, यानी 8 रेशियो 27। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें और हैं वो भी सीखते हैं। फोर्थ है आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे सब डुप्लीकेट है वैसे ही यहाँ पे ये है, रेशियो ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ टू नंबर्स। लाइक क्या हो जाएगा आपका, एक्स, ठीक है, क्या निकालना है आपको, क्यूब निकालना है। ओके, एक्स एंड वाई क्या निकालोगे आप, क्यूब रूट्स। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए 64 और 27 का ट्रिप्लीकेट, तो कैसे निकाल लोगे आप, इसका क्यूब रूट निकाल लोगे। तो क्या होता है, 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4, ठीक है, 4 into 4 into 4, और 27 का 3। ठीक है, इजी था ना समझने के लिए, नॉट सो हार्ड, आई डोंट थिंक ये इतना हार्ड है। ठीक, नेक्स्ट है आपका इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स का मतलब ही समझ गए होंगे, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा करना। When antecedent and consequent are mutually replaced, ठीक है, mutually replaced मतलब antecedent और consequent अगर दिया हुआ है वो mutually replace हो जाए, एक दूसरे की values से exchange हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लो x y कोई ratio दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको उसका inverse ratio निकालना है, मान लीजिए if x ratio y is given,
ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इनवर्स रेशो। तो आप समझ ही गए होंगे इनवर्स रेशो कैसे निकल जाएगा आपका, वाई रेशो एक्स, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर आपको 4:3 बोला, इनवर्स निकालने के लिए बोला, IR का मतलब इनवर्स रेशो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका 3:4। ओके, तो इनवर्स से आप समझ ही गए हो, ट्रिप्लीकेट से आप समझ गए हो, डुप्लीकेट से आप समझ गए हो, सब वाली चीज़ें भी आप समझ चुके हो। नेक्स्ट आ जाता है और लास्ट आ जाता है आपका कंपाउंड रेशो, ठीक है। कंपाउंड रेशो आपका क्या आता है, मेकिंग टुगेदर द एंटीसीडेंट फॉर अ न्यू एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंस फॉर अ न्यू कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। अब आप देखो इसे क्या समझिए, क्या होता है सॉरी मल्टीप्लाइंग टुगेदर, क्या होता है मल्टीप्लाई करना है किसको, एंटीसीडेंट को किससे, नया एंटीसीडेंट बनाने से, और कॉन्सिक्वेंट को ही किससे करना है, नया कॉन्सिक्वेंट बनाने से, ठीक है। जैसे कि मान लो कंपाउंड रेशियो आपका क्या है, जैसे कि ए, ओके, ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा वो, ए सी और बी डी, गॉट इट। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, ठीक है। तो क्या होता है आपका एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो एक साथ नया एंटीसीडेंट बनाने के लिए, और कॉन्सिक्वेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो एक साथ नया कॉन्सिक्वेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई ना, सॉरी ए सी, तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई ना, लाइक हमें पूछा जाए एग्जाम्पल, ठीक। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया 2, 3, 4, and 5 कंपाउंड रेशियो निकालो, तो कैसे बोला मैंने, एंटीसीडेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करो, कॉन्सिक्वेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। लाइक 2 into 4 और रेशियो 3 into 5, तो क्या आ जाएगा 8 into 15, आपका क्या आ गया, इसका कंपाउंड रेशियो आ गया, ठीक है। था ना ये बहुत ज़्यादा सिंपल। अब इस पे करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस, ओके। इसमें तीन चीज़ें मैं और बताऊंगी, बहुत ही सिंपल चीज़ें, सिर्फ मुझे सुनना, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हमारा एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट के इक्वल हो जाता है तो रेशियो को आप क्या बोलते हो, इक्वालिटी, ठीक है, रेशियो ऑफ इक्वालिटी। ये थी आपकी फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ है आपकी, अगर एंटीसीडेंट आपका बड़ा हो जाता है कॉन्सिक्वेंट से तो आप क्या बोलते हो उसको, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, ठीक है, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड है आपका, अगर एंटीसीडेंट आपका कॉन्सिक्वेंट से कम हो जाता है, लेस देन हो जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये कभी वर्ड फॉर्म में शायद एग्जाम में पूछ ली जाए, इसलिए मैं कुछ भी छोड़ के नहीं चलना चाहती हूँ, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं है, लेकिन जितनी भी है आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने में बिलीव भी नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे नहीं देखते हैं, इवन उससे बोर और होते हैं, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो एंड ऑफ 4 and 5। तो ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आप क्या करोगे इसको, 4 square and 5 square, क्या आ गया आपका, 4 4 16, 5 5 25, ठीक है। सो सिंपली सॉल्व, कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9 and 16। तो 9 and 16 का सब डुप्लीकेट रेशियो यानी x square root y, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, इसके अंदर 9 और इसके अंदर 16, कैसे निकाल लोगे आप, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 and 4, ठीक है, सो सिंपल। नेक्स्ट है आपका फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2 and 7। ट्रिप्लीकेट यानी आप क्या कर दोगे, इसका क्यूब कर दोगे, ठीक है। तो 2 2 4 2 8, हम ऐसे ही करते हैं ना स्कूल टाइम से, और 7 का क्यूब क्या होता है, 7 7 49 49 7 343, ठीक है। तो आ गया आपका आंसर बहुत ही इजी वे में। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125 और रेशियो 343। तो सब ट्रिप्लीकेट यानी क्यूब क्या होता था, क्यूब एक्स और क्यूब वाई, तो आप कैसे निकालोगे, 125 रेशियो 343, ठीक है। तो 125 का क्या होता है, 5, ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है, एटलीस्ट 20 तक आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, और या फिर अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन इतनी ज़्यादा फास्ट है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, लेकिन हाँ स्क्वायर रूट आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कई बार जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। और 343 का तो अभी हमने ऊपर किया ही है, 7, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 4 7 3 5 and 2 3, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अब आपके पास तीन चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तीन चीज़ें बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी। तो कैसे निकालते हो आप कंपाउंड रेशियो,
फोर इंटू थ्री इंटू टू, एंटीसीडेंट को करोगे ना मल्टीप्लाई, इसको इससे एंड इसका इससे, ओके, रेशियो सेवन इंटू फाइव इंटू थ्री, ओके, सही लिखा है ना मैंने? मैं ऑलमोस्ट बार बार लिखते टाइम बड़ी गलतियां करती हूँ. फोर थ्री जै ट्वेल्व, टू जै ट्वेंटी फोर, ओके, एंड सेवन फाइव जै थर्टी फाइव, थ्री जै कितना होता है, थर्टी फाइव, थ्री जै जीरो फाइव, ठीक है. अब ये जा सकता है, थ्री एट जै ट्वेंटी फोर, थ्री वन जै थ्री, ओ सॉरी, थ्री थ्री जै नाइन, थ्री फाइव जै फिफ्टीन, तो क्या आ गया ये, एट रेशो थर्टी फाइव, ओके, समझ गए ना? क्या था ये, एंटीसीडेंट को उसी से मल्टीप्लाई करना है, एक नया एंटीसीडेंट, और कॉन्सिक्वेंट को उसी से मल्टीप्लाई करना है, एक नया कॉन्सिक्वेंट बनाने के लिए, ठीक है. चलिए लास्ट रह गया आपका इनवर्स वाला, फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 719. ये तो आप समझ ही गए थे कि क्या हो जाएगा आपका, 19 7, इसमें तो कुछ कराने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो ये थे आपके बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें, और उससे हार्ड लेवल की चीज़ मैं पहली वाली वीडियो में करा चुकी हूँ, और कॉन्सेप्ट समझना है तो उससे पहली वाली वीडियो में करा चुकी हूँ, ठीक है. तो मैं एक काम करूँगी, आपको एक प्लेलिस्ट डाल दूंगी मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो जिन बच्चों ने और भी चीज़ें नहीं देखी हैं और अर्थमेटिक के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो भी ज़रूर जाके देखना, क्योंकि जैसा कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, सात से आठ मिनट की क्लास है, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ाने के लिए था नहीं, ठीक है. तो वो आप डेली करते रहिए, एंड आई होप, और अगर फ्रेंड्स मेरी बात सुनोगे आप तो आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, ठीक है, बट अभी टाइम है, तो जैसे मैंने जो डेली क्लासेस दी है ना, अगर आप डेली उस क्लास को भी कर लोगे ना, एक एक वीडियो आप एक दिन भी कर लोगे ना, आप बहुत जल्दी अपना चैप्टर कवर कर लोगे. देख लो, हमने भी अर्थमेटिक कवर कर ही लिया है, ठीक है, और अब थोड़ा सा एडवांस रह गया तो एडवांस करेंगे हम, ठीक है. तो हमारा क्या होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अब खत्म हो जाएगा. तो दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एक एक वीडियो करो, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं दे रही हूँ, जो फॉर्मूलेज दिए हैं उसके बेसिस पे उस दिन क्वेश्चन कर डालो, ठीक है. पूरा दिन जितना टाइम आप निकाल सकते हो मैथ्स के लिए, दो घंटे भी निकालोगे ना, इनफ है यार, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो दो घंटे निकालो, अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करो. जनरल अवेयरनेस चाहिए तो उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि जनरल अवेयरनेस की बहुत अच्छी क्लासेस आ रही हैं. इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिस्ट्री के आपके पॉइंट टू पॉइंट्स नोट्स आ रहे हैं, एंड साथ ही साथ पॉलिटी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है. तो गो एक बार चेक करो, सारे लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके एक बार चेक करिए. अगर अच्छे लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है. अगर नहीं लगी तो कोई बात नहीं, कभी कभार तो लगी जाएगी अच्छी, ठीक है. तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, बहुत छोटी वीडियो है, एंड आई होप आपको पसंद आए. अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सभी के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दें. चैनल पर अगर अभी तक नए हो ना तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब कर दो. वैसे आपको नया होना नहीं चाहिए था, आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था चैनल पे, बट इट्स ओके. अगर अभी भी नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल बटन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए. थैंक यू.